हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आते जो हमें ये बताएं कि भाई हम बीमार हैं। लेकिन अगर हमें किसी बीमारी की शुरुआत होने वाली है या हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, किसी एक चीज की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, चाहे वो विटामिन्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो कुछ और है, तो हम क्या देखते हैं, हमारी बॉडी उसका पहले एक सिम्टम भेजती है और अगर हम उन सिम्टम्स को पहचान लें तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, साथ में हम एक बड़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं। क्योंकि कहीं कई बार ये छोटी छोटी सी चीजों को जिनको हम इग्नोर करते हैं वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुखदाई होती हैं। जैसे अगर किसी को कैल्शियम की कमी है और वो उसके ऊपर फोकस नहीं करता तो उसकी बॉडी तो उसको सिम्टम देगी लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको कैल्शियम रिलेटेड और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। वो उसके घुटनों में दर्द हो सकता है, उसकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, उसकी मसल्स वीक हो सकती है, कुछ भी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम हैं जो हमारी बॉडी हमको देती है, हमें इग्नोर नहीं करने हैं, और उससे रिलेटेड ऐसा क्या है जिसको अगर हम अपनी डाइट में बढ़ा दें तो हमें हेल्थ में बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड टॉलरेंस। देखो, अब सर्दियां आने वाली हैं, किसी किसी को ठंड कम लगती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा लगती है। तो आपने ये देखना है कि अगर आपको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, ठंडे पानी में भी हाथ नहीं दिया जाता जबकि वो इतना ठंडा नहीं है, तो इट मींस आपको थायराइड की शुरुआत होने वाली है। तो आप अपना थायराइड लेवल चेक कराइए, अपने खाने में थोड़ा सा कच्चा नमक जरूर लीजिए क्योंकि वो भी आयोडाइज्ड हो, और वैसे भी खाने में आयोडाइज्ड नमक जरूर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको लोअर बैक में दर्द होता है, आप उठते हैं बैठते हैं एक ही बार में आप नहीं उठ पाते, आपको पहले थोड़ा सा हिलना पड़ता है, या आप ज्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठ पाते, तो इसका मतलब आपको विटामिन डी की कमी है। तो आपको थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना चाहिए, थोड़े से प्राणायाम और योगा करना चाहिए, और इसके साथ साथ डॉक्टर से चेक करवा के अपना विटामिन डी लेवल को इम्प्रूव करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपकी आंखों के आगे डार्क सर्किल्स हैं, कईयों को आप देखते हैं कि यहाँ आंखों के चारों तरफ बहुत ज्यादा डार्क सर्किल्स होते हैं, तो उसका रीजन हो सकता है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक चश्मा लगाया हो कि सनलाइट उनके यहाँ पे पड़ी ही ना हो, या उनकी बॉडी जो है वो एसिडिक हो। एसिडिक होने पर भी क्या होता है, कैल्शियम आपकी बॉडी में कम होने लगता है, नर्व्स कम होने लगती है, तो ऐसे में आप विनेगर ले सकते हैं और विटामिन डी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखना एयर हंगर। कभी कभी आपको क्या होता है कि बहुत मन करता है, अरे दम घुट रहा है, थोड़ी खुली हवा में जाके बैठे, खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, या पार्क में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है कमरे से, तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B1 की जो है वो कमी है, और आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की डाइट को कम करके कीटो डाइट पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, आप कीटो डाइट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको यॉनिंग बार बार होती है, ऐसे आपको लगता है आप उबासी बहुत ज्यादा लेते हैं औरों के कंपैरिजन में, आपको खुद को भी पता चलता होगा, तो इसका मतलब आप आयरन डेफिशिएंट है, आपके अंदर ऑक्सीजन आयरन कम है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ब्लड की कमी है, आपकी HB भी आपका लो होगा, तो आपने, और ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी अल्कलाइन ज्यादा हो, तो आपने क्या करना है, अल्कलाइन से थोड़ा सा एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए हम आपको बता दें कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, लेकिन जितनी भी सैलेड्स हैं या बीज वाली सब्जियां हैं, ये सब क्या होते हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये सब आपकी अल्कलाइन होती है, तो उनको कम करके आप थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका LDL over HDL रेशियो जो है वो बहुत हाई है,
तो इसका मतलब विटामिन B3 की कमी है, तो आप विटामिन B3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और अगर आपका स्टूल यानी कि आपकी बॉडी जो है वो ग्रीन कलर की आ रही है, तो ये एक सिम्टम है आपका लैक ऑफ बैक्टीरिया कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया कम हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए। थोड़ा सा कर्ड आपको डेली या योगर्ट जो है वो आपको डेली लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर वो पेल है यानी कि येलो की जगह वो अगर पेल कलर पे आ रही है, तो इसका मतलब आपके बाइल जूसेस कम बन रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपकी टंग बहुत ज्यादा व्हाइट होती है, और देखो लोगों की पिंक या रेड होती है, लेकिन अगर आपकी बहुत बहुत ज्यादा व्हाइट है और स्मेल भी आती है, तो इसका मतलब आपकी टंग के ऊपर बैक्टीरिया की पूरी पूरी कॉलोनीज ग्रो हो चुकी है, ईस्ट या फिर ईस्ट ग्रो हो चुकी है या फंगस, तो यहाँ पे भी आपको प्रोबायोटिक लेने की जरूरत है। और हो सके तो अपने टंग को डेली क्लीन करिए, ताकि आपका जो टंग के ऊपर जो ये फैल पूरा की पूरा एक कॉलोनीज डेवलप हो गई है, ये ठीक हो सके, क्योंकि ज्यादा बनना भी आपके लिए एक खतरे की घंटी होती है। इसी तरीके से अगर आपको ब्लोटिंग बार बार होती है, यानी कि आपने खाना खाया और आपको लगता है कि अब तो बस पेट फूल रहा है, अब तो क्या करें, यानी कि अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में एसिड कम है, आपको एसिडिक डाइट लेने की जरूरत है। और अगर आपकी मसल्स वीक है, थोड़ा सा भी अगर आप काम करते हैं आपको थकान होने लगती है, आप वेट नहीं उठा सकते, आप ज्यादा चल नहीं सकते, आप ज्यादा बैठ नहीं सकते, तो इसका मतलब आपका सोडियम लेवल कम है, तो आपको सोडियम चेक करा के और फिर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम लेवल जो है वो चेंज हो रहा है, कम है। तो अगर पोटेशियम लेवल 7 से ज्यादा जाता है तो हार्ट अटैक के चांस आ जाते हैं। तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे आपको ना सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक कराना है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड्स को, बल्कि आपको विटामिन डी को भी चेक कराना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो सिम्टम्स थे जो कि हमारी बॉडी हमें देने लगती है कि आपकी बॉडी में कुछ कम है। इनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके नेल्स वाइट होना या आपके फेस पे वाइट कलर के पैचेस आना, ये सब चीजों को अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आप अपनी सेहत को बहुत लंबे टाइम तक अच्छे ढंग से ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।